सवोपदेशक अध्याय 10। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूँ। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख की बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड़ा खोते वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर लगेगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदायी बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातों का बढ़ाकर बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल भोजन करते हैं। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने के लिए नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की लकड़ियां दब जाती और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाक मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में साप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा।